मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी, आई कॉल यू लेटर, ओके बाय। कॉल आया था क्या उसका? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि वो लड़का है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि कोई बात बिन बताए अगर लड़कों की समझ में आ जाए ना, तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो बट आई शुड बी वरिड, शादी थोड़ी ना हुई है। बेबी मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत खुश रहूंगा। क्यों? शादी कोई सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करके सब कुछ एकदम स्मूथ चलने लगेगा और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 घंटे हो गए, एक भी मैसेज नहीं। लेकिन अगर अभी मैं मैसेज करूंगी तो बेबी आई वॉज बिजी। अभी ऐसे भी क्या न्यूक्लियर के कोड्स बना रहा था जो इतना बिजी था? और अगर इतना ही बिजी था तो व्हाट्सएप का लास्ट सीन क्यों बार बार चेंज हो रहा था? आई एम जस्ट डन विद दिस रिलेशनशिप। यू नो व्हाट, इट ऑल स्टार्टेड विद अ लिव इन रिलेशनशिप बट नाउ इट्स जस्ट अ लिव इन रिलेशनशिप। और वो कहते हैं ना ऑल मेन आर डॉग्स, बुलशिट। क्योंकि डॉग्स को भी पता है कि अगर कोई चीज फेक है तो उसे वापस लेकर आना चाहिए। बट इन लड़कों को 10 बार समझा हुई बात भी फिर से 11वीं बार समझानी पड़ती है। यू नो ये लड़के ना स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह होते हैं और हम लड़कियां इनके लिए यशराज की फिल्म्स की तरह, बस एक बार मिल जाए फिर हमें उदय चोपड़ा की तरह ट्रीट करते हैं। ये सारा दोष मूवीज का है। काजल ने शाहरुख के लिए ट्रेन क्या पकड़ी, इसके बाद मूवी का दी एंड। इसके आगे कहानी कोई नहीं बताता, इसके आगे कहानी मैं बताती हूँ। अरे इन्हें दौड़ने की क्या जरूरत थी, पीछे के दरवाजे से भी तो आ सकती थी ना। हमें थोड़ा वक्त अकेले नहीं मिल सकता, मुझे मेरी स्पेस चाहिए। अबे इतनी स्पेस चाहिए तो एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन गया जाके? और ये मॉक्स फेसबुक पे क्या कम पड़ गए थे जो इसने व्हाट्सएप पे भी उंगली कर दी? क्या जरूरत थी ब्लू टिक्स लाने की? बेबी यू रेड माई मैसेजेस बट यू डेंट रिप्लाई, यू डोंट लव मी एनी मोर। और अगर ये ब्लू टिक्स हटा दो तो बेबी यू डेंट वॉन्ट यू टेल मी दैट यू रेड माई मैसेजेस सो दैट यू कैन इग्नोर मी कम्फर्टेबली। इतनी रात को ऑनलाइन क्या कर रही थी? अबे इस धरती पे मेरे भी दोस्त, कोई पीके थोड़ी ना जो दूसरे गोले से आई हो। और एक बंदी के साथ सेल्फी ले लो तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और खुद लिविंग में रहने के बावजूद भी टिंडर डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में, आई मीन सीरियसली। और इनके रहने के तरीके, WWF का रिंग बना रखा है अपने रूम को और जरा सा टोक दो तो बोलेगा लेट मी लिव माई ओन वेज। अबे जंगली ये कौन से वेज होते हैं रहने के? और कभी बोलो डिनर के लिए बाहर चले तो बोलेगा वो स्वाद ही क्या जो घर के खाने में। और कभी बोलो सामान खत्म हो गया तो बोलेगा पिछले हफ्ते ही तो आटा लेने गए थे, फिर से जाना पड़ेगा। अबे चिंदी की आत्मा, जब तेरे दोस्त और बॉस मुफ्त की रोटियां तोड़ने आते तब तुझे समझ में नहीं आता? अरे कभी तो खुद समझ लो, व्हेन शी इज सेइंग दैट शी इज नॉट फीलिंग वेल, ऑल दैट शी वांट्स इज सम लिटिल अटेंशन, बट दिस इडियट विल ऑफर यू क्रोसिन एंड ईनो। आई मीन सीरियसली रिडिक्यूलस।